मटेरियल इन अवर बॉडी, विच इज द, विच मॉलिक्यूल, विच केमिकल मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक सब्सटेंस इन द लिविंग सेल? पता है आपको कि नहीं पता? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे सुन नहीं रही आपकी आवाज। चलो बैठो, आप बैठिए, बैठो। एनीबडी हु नोज रेज योर हैंड्स, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? 10th A, 10th B? किया किया नहीं है अभी, ये चैप्टर तो कर लिया ना। यस और नो, जोर से बोलो बेटा। नहीं। अभी नहीं किया? मैम जरा मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि इन्होंने ये चैप्टर कर लिया कि नहीं? They have done it? Okay, ठीक मैम। चलिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा, अब मैं, रिवीजन हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। सो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से सुनना है आपने। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? विच कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ द सेल? अब मुझे 10th B, रोल नंबर 7, कम फॉरवर्ड जल्दी से माइक के पास। मुझे अब जल्दी से बताओ बेटा, एक सेल का हेड कौन सा होता है? कौन सी ऑर्गेनेली उसके सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीएनए, डीएनए तो बनाता है ना, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? डीएनए। डीएनए के। तो अब मुझे ये बताइए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। सो जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए सेल। अब ध्यान से सुनो, इन ए सेल जो मैंने अभी पूछा, जेनेटिक ऑर्गेनेली कौन सी है? जेनेटिक ऑर्गेनेली मींस न्यूक्लियस। उसके बाद जेनेटिक स्ट्रक्चर्स दैट आर क्रोमोसोम्स। एंड थर्ड आ जाता है जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन से मॉलिक्यूल। जेनेटिक मॉलिक्यूल क्या है? जेनेटिक मॉलिक्यूल है डीएनए। इज इट ओके? कोई बात नहीं, हम बाद में लिखेंगे। अभी समझ में आई? जेनेटिक ऑर्गेनेली कौन सी है जो सारे फंक्शन, यस एवरीबॉडी, कंट्रोल करती है? विच इज द जेनेटिक ऑर्गेनेली? यस, इनसाइड द जेनेटिक ऑर्गेनेली द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, क्रोमोसोम्स वेरी गुड, एंड द क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ विच केमिकल मॉलिक्यूल? सो नाउ टेल मी, विच इज द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मॉलिक्यूल इन इन एनी सेल? डीएनए। वेरी गुड। सो नाउ देन वी कम टू, हमें ये पता चल गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मॉलिक्यूल है अब, या जेनेटिक मटेरियल है।
हम ये कहते हैं कि ये जो फील्ड्स है ना, ये फील्ड्स हमारे दादाजी के हैं, हमने इनको इनहेरिट किया है, ऐसे कहते हैं ना। व्हाट विच प्रॉपर्टी यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर ग्रैंडफादर्स, सो दिस इज द फील्ड, दिस इज द हाउस विच वी आर इनहेरिटेड फ्रॉम अवर पेरेंट्स, फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमें अपने माँ बाप, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से चीजें मिली है, उसको हम कहते हैं इनहेरिट करना। ये एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? सो ये हमें इनहेरिट किया, या हम कहते हैं कि ये अच्छा तुम्हारा जो है ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो व्हाट यू से कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, ऑल्दो दिस इज नॉट करेक्ट, बट फिर भी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट ये हमारी हेरिडिटरी है। हम जो है हम कह देते हैं अच्छा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, तो हम कह देते भी ये तो हेरिडिटरी बात है जी, है ना, ये तो इन्होंने इनहेरिट किया है। सो व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर। अगर हम साइंस की बात करें, जो हम अब पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन से प्रोजेनी। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, टू देयर किड्स, साइंस में हम यही लिखते हैं, किड्स हम इंग्लिश में बात करते हैं, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, जो अपने बच्चों को पास करें, वो क्या है? हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, जो करेक्टर्स बच्चों में पास होते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज, पहले मैं आपको ये बताती हूं कि हाउ द करेक्टर्स आर इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हम बात रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं। द स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस, टू फॉर्म जाइगोट। ध्यान से देखना, आपने रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक किया होगा, ये एग है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और बाकी की ऑर्गेनेलीज है। देन ये क्या है? ये स्पर्म है। और स्पर्म का ये न्यूक्लियस है जहां पे क्रोमोसोम्स है, बाकी सब ये हेड है, ये नेक है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। ये दोनों, इसमें से सिर्फ जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाता है एग के पास पहुंचकर, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट ये अंदर गया और ये एग के न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ और अल्टीमेटली क्या बन गया बेटा? अल्टीमेटली बना जाइगोट। अब मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि
कि जो जाइगोट है, 10th A, रोल नंबर 13, कम फॉरवर्ड। तेरा रोल नंबर 10th A, जल्दी से माइक के पास। अब जो जाइगोट है, इसमें जो साइटोप्लाज्म आया वो किसका आया, एग का आया कि स्पर्म का आया? मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना है, मुझे नहीं पता आपने ठीक शायद ठीक बोला हो कि ये एग है, एग का ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा स्पर्म है। स्पर्म की मैंने बाहर की सारी चीजें आपको बता दी, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हेड में, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट स्पर्म से अलग हुआ, एग के अंदर गया, एग के न्यूक्लियस से ये फ्यूज हो गया, और ये वाला सारा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये जो जाइगोट है, इसमें जो साइटोप्लाज्म आया वो किसका आया, एग का आया कि स्पर्म का आया? यस, स्पर्म की एग। एग दोबारा से सोच के बताओ, एग का कि स्पर्म का? आपने पहले स्पर्म कहा था, अब एग कहा है, फिर दोबारा से, मैं तभी कह रही हूं दोनों में से एक का होगा। अगेन सोच के बताओ किसका है, एग एग का साइटोप्लाज्म आया। और अब मुझे बताओ कि ये जो क्रोमोसोम्स आए, ये किसके आए, सिर्फ स्पर्म के आए, सिर्फ एग के आए, कि दोनों के आए? दोनों के दोनों के आए। तो अब अगर आप बैठो बेटा, आप बैठो, रोल नंबर 13, 10B, कम फॉरवर्ड। चलिए जी, अब मुझे आपने ये बताना है बेटा कि जो मुझे पहले रोल नंबर 13, 10A ने बताया कि साइटोप्लाज्म सिर्फ एग में से आया, जो क्रोमोसोम्स आए वो दोनों के से आए, तो अब जो एक बच्चे में करेक्टर्स दोनों के है, मेल के भी है, फीमेल के भी है, यस और नो? ओके स्टूडेंट्स, ऑडिबल बोथ क्लासेस, 10th B ऑडिबल? रेज योर हैंड्स बोथ क्लासेस। ओके, नो इट्स ओके। चलिए, थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस हुई, बट अगेन कम बैक टू योर रूटीन। तो हम बात ये कर रहे थे बेटा कि व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म, दिस इज जाइगोट, इट हैज हेरिडिटरी मटेरियल या इट हैज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ स्पर्म एज वेल एज एग। तो विच इज पास्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, द जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम एग एज वेल एज स्पर्म टू द जाइगोट। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। सो नाउ, हां जी बच्चे, विधि 10th A, विधि बेटा माइक के पास आओ। तो अब हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्या पास किया बेटा? जेनेटिक मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए हाँ, हम कह डीऑक्सीराइबो। सकते हैं कि इट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। विच इज द हेरिडिटरी मटीरियल इन वन वर्ड, डीएनए। डीएनए वेरी गुड विधि, बैठो बेटा। तो हेरिडिटी इज दिस एंड एवरीबडी, विच इज द, आई एम सॉरी, नॉट जेनेटिक मटीरियल, विच इज द हेरिडिटरी मटीरियल? डीएनए यस, इट इज डीएनए। तो अगेन हम बात क्या कर रहे हैं, अगेन विच इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल, यस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए?
यस वेरी गुड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ डीएनए फॉर्म क्रोमोसोम्स? हाउ डीएनए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड द क्रोमोसोम? एनीबडी हु नोज? 10th बी मनमीत सिंह, रोल नंबर 20. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स? जोर से माइक के पास बिल्कुल आ जाओ और जोर से बोलो. अब बोलो. हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही है बेटा. क्रोमोसोम्स है? क्रोमोसोम्स आर स्मॉल पार्टिकल्स यू सेड. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. बैठो मनमीत. दिस इज डीएनए, यस और नो? तो डीएनए, ये मैंने तो बहुत छोटा बनाया है, अदरवाइज डीएनए इज द वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, और अगर उसे सीधा रखा जाए तो वो सेल में एडजस्ट नहीं हो सकता. देयरफॉर डीएनए इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, विच इज द जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द सेल? इट इज डीएनए. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कॉइलिंग ऑफ डीएनए टू फॉर्म व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमोसोम. इज इट राइट? ठीक है, यस और नो? सो दिस इज क्रोमोसोम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम? डीएनए इज ए मॉलिक्यूल विच इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म द क्रोमोसोम. डीएनए एक मॉलिक्यूल है, एक टाइप का मॉलिक्यूल है, जबकि क्रोमोसोम दो चीजों से बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से. अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? यस, 10th ए हिमांशु, हाँ जी जोर से बोलना बेटा. जेनेटिक मटेरियल क्या है? सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, डीएनए की प्रोटीन्स? डीएनए. तो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है बेटा? इट हेल्प्स इन कीपिंग डीएनए टुगेदर. यस, डीएनए इन कॉइल्ड फॉर्म, राइट? इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए. हम मार्केट से ग्लासेस लाते हैं, काम क्या है? बैठो हिमांशु. वेरी गुड हिमांशु. बेटा मुझे एक स्टूडेंट अपना याद आया है. वी यूज टू टीच इन अ स्टेशन आ हिमाचल, यू नो, अ स्मॉल टाउन दैट इज घुमारवी, है ना? यू मे और मे नॉट हैव हर्ड. तो वहां पे एक हिमांशु मेरा +1 और +2 का स्टूडेंट था, एंड नाउ ही इज ए बिग डॉक्टर इन हिमाचल, राइट? तो मुझे उसके नाम से हिमांशु आज याद आ गया है. तो बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, एंड आई विश हिमांशु इन एम आर सिटी ऑल्सो प्रोग्रेस हिज लाइफ, ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए जी, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी क्लासेस में. तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए सब कुछ. जैसे हम बाजार से ग्लासेस लेके आते हैं, है ना? तो काम की चीज क्या है? ग्लासेस है. हमने उनमें जूस किसमें पीना है? ग्लासेस में. बट जो उसका डिब्बा है वो क्या करता है? उसको पैकेजिंग में काम करता है, राइट? तो हम कहेंगे ये जो गिफ्ट पैक है ये क्या है? इसमें एक डिब्बा है और ग्लासेस है. बट काम की चीज क्या है? ग्लासेस. ठीक है, तो इसी तरह से जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है.
फिर प्रोटीन्स ने क्या किया, इसने डीएनए को पैकेज किया, इसने इसको कॉइल किया। इज इट ओके? सो क्रोमोसोम्स इज फॉर्मड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, विच इज द जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। इज इट ओके? ओके देन लेट अस से दिस इज क्रोमोसोम। हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम में डीएनए की, राइट? तो इस क्रोमोसोम में देयर आर स्मॉल स्मॉल पोर्शंस, दीज आर स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। सो हाउ कैन यू डिफाइन जीन्स? जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ, आप क्रोमोसोम भी कह सकते हो या डीएनए भी कह सकते हो। स्पेसिफिक जीन रेगुलेट्स स्पेसिफिक फंक्शन या कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो हम क्या कहते हैं, जीन टी इट कंट्रोल्स। हमने क्या कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, जीन टी इट कंट्रोल्स हाइट ऑफ द प्लांट। यस और नो? उसके बाद डाया हाइब्रिड, दो करेक्टर्स जब हमने लिए थे, then we studied that gene Y it controls color of flower. Yes or no? Yes. So specific genes control specific character of an organism. Clear? Yes. Now my question is, how do genes control specific character? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा वैसे, और यू कैन से कि इसको एक और फॉर्म में मैं क्वेश्चन लिखती हूं, हाउ डू जीन्स expresses themselves, हमें कैसे पता चला कि ये जो जीन है, ये लेट अस से ये जीन है, ये टी जीन है, इट कंट्रोल्स हाइट ऑफ द प्लांट या कुछ भी है, ये जीन्स कैसे किसी करेक्टर को कंट्रोल करती है? यस दिव्यांशी 10th B। हाँ जी दिव्यांशी, ठीक है, डोमिनेंट जीन क्या बनाती है जिससे एक करेक्टर प्रोड्यूस हो, एक जीन का फंक्शन क्या है? हाँ एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कैसे एक्सप्रेस करती है, क्या बनाती है करेक्टर, करेक्टर कैसे, मेरा मतलब कोई एक जीन है, लेट अस से मैं तुम्हें थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ बेटा, कि जीन जो है वो डीएनए बना रही है, कि आरएनए बना रही है, कि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स बना रही है, कि फैट्स बना रही है, कि प्रोटीन्स बना रही है, जीन के पास किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है? बैठो दिव्यांशी, बैठो बेटा, हम और से पूछते हैं। 10th A बबीता,
आ जाओ, भाग कर आओ बेटा, भाग कर। वेरी गुड। जीन्स के ऊपर किस चीज की इंफॉर्मेशन है? एक करेक्टर की इंफॉर्मेशन है, दैट्स राइट, बट किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन। प्रोटीन। वेरी गुड, वेरी गुड बबीता, बैठो बेटा। तो जीन्स, अब क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व? जीन्स बोलती नहीं है, जीन्स बताती नहीं है मैं हाइट की हूं, मैं वेट की हूं, है ना, मैं कलर की जीन हूं, नहीं ऐसा नहीं बताती है। तो जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती है? जीन जो एक्सप्रेस करती है वो प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करती है। सो व्हाट इज द आंसर? ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है बेटा। सो आंसर इज जीन्स हैव इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, जीन के पास किसकी इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग एवरीबॉडी, बाय सिंथेसाइजिंग व्हाट? जोर से, प्रोटीन्स। वेरी गुड, बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ डू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स? जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। इज इट ओके? ठीक है जी, करें आगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हम बात करते हैं कि सिंगल सेल इट रिप्रोड्यूस और यू कैन से डिवाइड्स। व्हाट इज सेल रिप्रोडक्शन? इट इज डिवीजन ऑफ सेल। सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स, यस और नो? तो यस यहां पे हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। यू हैव हर्ड अबाउट माइटोसिस इन 9th क्लास, यस और नो? 9th में सेल डिवीजन का एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा था, जोर से बोलो, यस है ना। तो हमारे पास टू टाइप के डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस फॉर एग्जाम्पल, कि आपने क्या किया कि यू कैन से कि भी आपने एक बहुत बड़ा पिल्लो था आपके घर, ठीक है, बहुत बड़ा था, आपने छोटे छोटे पिल्लोज बनाने हैं उसके, आपने उसकी कॉटन निकाली और दो इक्वल साइज्ड के पिल्लोज बना ली, दैट इज माइटोसिस, राइट। सो माइटोसिस में क्या है? दिस इज वन सेल, इट गेट्स एनलार्ज्ड, देन इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई एंड देन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू इक्वल सेल, सिमिलर सेल। यहां पर अगर 10 क्रोमोसोम्स थे इस तरह से करके, इस तरह से करके 10 क्रोमोसोम्स थे, तो यहां पे हर क्रोमोसोम ने अपनी एक कार्बन कॉपी बनाई। डू यू गेट मी? दिख रहे हैं आपको? हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से डिफरेंट है, बट जब कार्बन कॉपी बनाई तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कार्बन कॉपी इस तरह से हुई। और अब यहां पर
फिर क्या हो गया, यहां पर ये कार्बन कॉपीज अलग अलग हो गई, एक यहां चली गई, एक यहां चली गई, फिर एक यहां चली गई, एक यहां चली गई, एंड डू यू गेट मी, यस और नो? ठीक है, तो जैसे अगर दो भाइयों ने एक घर में रहते, अगर उन्होंने अलग अलग होना है, तो पहले एक फ्रिज से वो दो फ्रिज लाएंगे सेम तरह के, फिर एक एक घर में जाएगा, दूसरा दूसरे घर में जाएगा, इसी तरह से दो टेलीविजन आएंगे बिल्कुल सेम, एक एक घर में दूसरा दूसरे घर में, अगर दोनों घर सेम रखने हैं, इज इट राइट? सो दिस इज हाउ माइटोसिस अकर्स। सो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स द टू डॉटर सेल आर सिमिलर टू द पेरेंट सेल। अगर यहां 10 क्रोमोसोम है तो यहां भी 10 क्रोमोसोम्स है, इज इट राइट और नॉट? यस ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर क्रोमोसोम पहले डबल हो, yes or वो सिमिलर होंगे आपस में भी। क्या कोई दोनों में वेरिएशंस नहीं होंगी? नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन। आप अब एक आपका पास डॉक्यूमेंट है बेटा, है ना, एक आपने आज लिखा है ना, आप उसको जब आपने, आप मार्केट में गए, आपने उसकी कार्बन कॉपी करवानी थी, आपने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को फोल्ड किया, अपनी पॉकेट में रखा और मार्केट में चले गए, राइट? जब आपने उसको दोबारा से खोला तो जो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी हुआ, क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा? ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन सेम ही होगी, बट क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा? हाँ नहीं, क्योंकि जहां जहां पे फोल्डिंग्स होंगी, जहां जहां पे थोड़ा सा क्रश हुआ होगा, वहां पे कोई वर्ड्स मिस हो जाते हैं, यस और नो? ठीक है, इसी तरह से व्हेन द क्रोमोसोम, व्हेन द डीएनए फॉर्म्स इट्स डुप्लीकेट कॉपी, देयर अकर्स फ्यू एरर्स, राइट? तो अब मैं क्या बता रही हूं कि ईच सेल डिवीजन रिक्वायर्स कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। विच इज जेनेटिक मटेरियल बेटा? डीएनए। एंड रिमेंबर दैट नो कॉपिंग इज एरर फ्री। देयरफॉर वेरिएशंस, ऑल्दो स्लाइट, बहुत ज्यादा तो नहीं, ऑल्दो स्लाइट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस और सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन, इज इट राइट? कुछ वेरिएशन होती है माइटोसिस, इज इट ओके? ठीक है, अब जो अगली प्रोसेस है, ये तो हमने बात की है सेल के रिप्रोडक्शन की, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मुझे ये बताइए, ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप की रिप्रोडक्शंस होती है, कौन से टाइप की होती है बेटा? यस, जोर से एक बार, सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल
asexual and sexual. सेक्सुअल यू नो क्योंकि आपने पढ़ चुके हो. हियर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन. क्योंकि बेटा यहां पे फर्टिलाइजेशन में दो डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएशंस आएंगी कि नहीं, ठीक है. जबकि एसेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन. लेट अस से मेरे स्किन सेल्स लिए टिश्यू कल्चर में बहुत सारी वीनू बना दी. माय नेम इज वीनू. तो बहुत सारे बच्चे बने टेस्ट ट्यूब्स में जो मेरी तरह थे. क्या वो बच्चे एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? मेरी स्किन सेल से लेकर उनको बनाया गया. आर दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल? दोबारा से 10th ए बताएगी. यस, एसेक्सुअल. अब मुझे बताओ कि एक तरह से तो मैं ये बताऊंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वो बच्चे बनेंगे, दे आर लाइक मी, यस और नो? दे विल बी क्लोन ऑफ मी, यस और नो? बट आर देयर एनी डिफरेंसेस इन दोज किड्स एज कंपेयर टू मी या एज कंपेयर टू देमसेल्फ? कुछ डिफरेंसेस होंगे कि बिल्कुल भी नहीं होंगे? होंगे. क्यों? क्योंकि स्किन सेल लिए है उन्होंने, जब पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उनको, उन सेल्स को क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करनी पड़ेगी. और जब माइटोसिस करेंगे तो उसके एक प्रोसेस क्या है? कॉपिंग ऑफ डीएनए. और जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते. एरर्स मीन्स डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो दे आर नॉट एग्जैक्टली क्लोन ऑफ माइन. इज इट ओके? ठीक है. हाँ जी, 10th ए सेकेंड बेंच पे बेटा, जो लेफ्ट साइड पे बॉय बैठा है वो आगे आ जाओ जरा जल्दी से. अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्वेश्चन इज वेरिएशन अकर इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो बिकॉज. मैं आपके लिए थोड़ा सा काम इजी कर देती हूं बेटा, और किसी ने नहीं बोलना, ही विल आंसर मी, ताकि मुझे पता चले कि समझ आया कि नहीं आया. बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट. Variations occur due to change in environment only. Variations. ये बेटा सभी के सभी लिख भी लो क्वेश्चन. वेरिएशंस अकर ड्यू टू एरर्स इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन या ड्यूरिंग माइटोसिस. एंड डी है नन ऑफ दीज. हाँ जी बेटा, अब आप मुझे इसमें से आंसर बता दो.
हाँ जी, माइक के पास कर, किधर है माइक? स्पीकर अच्छा चलिए, इज इट सी? सी यस ठीक है, एवरीबडी यस एग्रीज विद हिम? ये ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो बिल्कुल ठीक है बेटा। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस कैसे आती है? वेरिएशंस आती है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से डिवीजन है? कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है, तो उसमें सिर्फ माइटोसिस है, राइट? और माइटोसिस से पहले क्या चाहिए? कॉपिंग ऑफ डीएनए मटेरियल। और जब हम कॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ एरर्स आएंगे। इज इट ओके? एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों आती है? ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स, राइट? तो अब मेरे पास आ जाओ 10th B का मानव, मानव कम क्विकली, बस लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से माइक के पास। इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर मोर वेरिएशन, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? जोर से, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस होंगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मानव, एक और बता दो कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन एवोल्यूशन चेंजिंग विद टाइम, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? सेक्सुअल सेक्सुअल, वेरी गुड। बैठो मानव, वेरी गुड। सो बिकॉज वेरिएशंस अकर इन बोथ, ये याद रखना है कि वेरिएशंस अकर इन एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बट देयर आर मोर वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेल डिवीजन तो वहां भी हो रही है, ये वेरिएशंस तो वहां भी है, बट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स मोर वेरिएशंस अकर। इज इट क्लियर? जल्दी से हम 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करें कि विच इज द जेनेटिक मटेरियल, जल्दी से बताओ। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जल्दी से बताओ। हाउ डू जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेसेस इट सेल्फ? बाय सिंथेसाइजिंग, एवरीबडी, सिंथेसाइजिंग सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। द मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम गैमेट्स, बोथ द गैमेट्स टू देयर चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट? न्यूक्लियस, या डीएनए की प्रोटीन्स? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। सो विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल? डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। हाउ डू हेरिडिटरी मटेरियल एक्सप्रेसेस इट सेल्फ? बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। विच इज द जेनेटिक ऑर्गेनेली? न्यूक्लियस इज द जेनेटिक ऑर्गेनेली। इन द जाइगोट साइटोप्लाज्म इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेल गैमेट के फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट। द जेनेटिक मटेरियल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और बोथ? बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट, राइट? देन हाउ डू, ये मैंने बता दिया। नाउ विच मॉलिक्यूल हेल्प्स इन कॉइलिंग ऑफ द डीएनए? प्रोटीन्स। विच हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए? प्रोटीन्स। हाउ डू जीन्स एक्सप्रेसेस देमसेल्फ? बिल्कुल ठीक है। द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल स्पेसिफिक करेक्टर इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज जीन। सो हाउ डू एरर्स अकर्स ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन? बिकॉज कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नेवर एरर फ्री, यस और नो? हाउ वेरिएशन अकर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, दैट्स एब्सोल्यूटली ट्रू। सो दिस इज फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम वी विल रिवाइज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अगली बार हम आपको बताएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स के बारे में बताएंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। इज इट ओके? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक्स टीचर। ओके बच्चे। चार।